नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल टू इंडिया में। तो आइए शुरू करते हैं, क्या होता है एटॉमिक क्लॉक, कैसे वर्क करती है, किस फिनोमेना पर बेस्ड होती है और इसकी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, एटॉमिक क्लॉक जो होती है ये वर्ल्ड की सबसे एक्यूरेट क्लॉक में से एक होती है, जो कि सबसे प्रीसियस और सबसे पहली क्लॉक जो है वो NIST F1 F2 ब्लंडर के क्लोरोडो में बनाई गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड टाइम्स इसका फुल फॉर्म होता है। पहले जो फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूट ब्यूरो टाइम्स था, अभी इसको रिसेंट में करेक्ट किया गया है। F1 और F2 दो लॉन्च की गई, इसलिए इसको फर्स्ट 1 और फर्स्ट 2 करके नेम दिया गया है। आपको बता दें, अभी रिसेंटली में नासा ने DSAC पर वर्क कर रहा है। DSAC क्या होता है? डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक होती है, जो कि अभी रिसेंट में वर्क हो रहा है। अब आइए जानते हैं कैसे ये वर्क करती है। दोस्तों आइए समझते हैं क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल। इसको समझने से पहले हमको 1 सेकेंड को डिफाइन करना होगा। 1 सेकेंड क्या होता है? 9,192,631,770 टाइम्स ऑसिलेटर में ऑसिलेट्स होता है। जैसे एक नॉर्मल क्लॉक में पेंडुलम ऑसिलेट्स होता है, उसी तरीके से जो एक एटॉमिक क्लॉक होती है उसमें एक चिप के माध्यम से सीजियम एटम्स जो होते हैं वो ऑसिलेट्स होते हैं। कितनी बार? इतनी बार, एकदम एक्यूरेट तरीके से। इसीलिए सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो सबसे पहले F1 में लॉन्च हुई थी। जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं एकदम प्योर एक्यूरेट होती हैं, जैसा कि हम आपको बताए हैं। लेकिन जब इतनी बार एक्यूरेट हो जाती, इसीलिए वर्ल्ड की सबसे एक्यूरेट क्लॉक में से एक होती है। और ऑसिलेशन जो होता है एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में होता है। कितना होता है? इतना होता है। इसी प्रिंसिपल पे ये दोनों वर्क। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम इसका फुल फॉर्म होता है, और GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगर आपको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं एक फैक्ट। अगर एक एटॉमिक क्लॉक कंटिन्यूअस चलेगी, कितनी बार? 1 मिलियन ईयर कंटिन्यू चलेगी, तब जाके कहीं 1 सेकेंड का डिफरेंस आ सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।